बच्चों, जैसे मैंने दो दफा पहले आपको इतला दी कि आया सवाल नंबर दो का जवाब पांच पॉइंट पर मबनी है। वीडियो लेक्चर नंबर तीन में आपने दो सवाल का जवाब लिखा था और दूसरे सवाल के जवाब तीन पॉइंट लिखे थे, और लेक्चर नंबर चार में दो पॉइंट हैं और यहां लिखा हुआ है सवाल नंबर दो का जवाब जारी है। पॉइंट नंबर चार, काफिरों के हिस्से में जो जगह आई थी वहां बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी, जिसकी वजह से काफिरों को चलना फिरना मुश्किल हो गया था। पॉइंट नंबर पांच, और यूं ये बारिश अल्लाह ताला के खसूसी इनामात व एहसानात की वजह से मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। सवाल नंबर पांच, अतुलसुद सानी बे आयत नंबर 38-44। सवाल, पुरानी आयत का तर्जुमा लिखिए। तर्जुमा है, और उन लोगों काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफर का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह के ही लिए हो जाए। अगला सवाल है, खाली जगह बुक कीजिए। नंबर एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम डैश करते थे खेती बाड़ी। नंबर दो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम डैश का काम करते थे लकड़ी का। नंबर तीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम डैश सीने का काम करते थे कपड़े। नंबर चार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डैश का काम करते थे गल्ला बानी। नंबर पाँच, हजरत हूद अलैहिस्सलाम किया करते थे तिजारत। लेक्चर नंबर सिक्स, क्लास एट, सब्जेक्ट इस्लामिया। सबक नंबर पाँच, अदरसानी बे सूरतुल अनफाल 38-44 की आयत में से सवाल, अर्श मुबशरा के नाम लिखिए। नंबर एक, हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर दो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर तीन, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर चार, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर पाँच, हजरत साद बिन अबी वक़ास। नंबर छः, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम। नंबर सात, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। नंबर आठ, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ। नंबर नौ, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। नंबर दस, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।